सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक गूगल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद अपना एक नया यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के इसी वीडियो में आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा जो कि दोस्तों काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स चीज़ को मिस कर जाते हैं, इसी वजह से उनका जो चैनल है वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहना और मैं आज के इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप जिस चीज में काफी ज्यादा बेटर हो, उसी चीज का चैनल बनाना, तभी आपका जो चैनल है वो चलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि एक भी पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना होगा अपना यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा उसका लोगो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का जो बटन है वो देखने को मिलता है, आपको दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगर फिंगरप्रिंट लॉक है तो इसको अनलॉक कर लेना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रिएट अकाउंट का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना अगर आप एक नए गूगल अकाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नए गूगल अकाउंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो जो भी नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, क्योंकि चैनल का नाम आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चैनल का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम ऐसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो भी लिखना है वहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक चैनल यूट्यूब चैनल के बैनर वगैरह को बना सकते हो। ठीक है, तो वो सब देखना ज़रूर से भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप अपना दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं जेंडर भी सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पे आप एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहां पे मैं क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहां पे मैं एक जीमेल आईडी जो है वो यहां पे दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पे दे देते हैं हमारा जीमेल आईडी। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब ये जो जीमेल आईडी है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, मैंने एक पासवर्ड को दे दिया। अब यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर देना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर को है एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, फोन नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, अगर नहीं होते तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे येस आई एम इन के बटन पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक बार नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ को आपको अग्री कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि यूट्यूब चैनल को कैसे आप इससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन ये चैनल क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ जीमेल अकाउंट है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सिंपली लोगो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पे आप अपने जो चैनल का नाम है वो यहां पे लिख सकते हो। तो यहां पे मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूं, जो भी मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। तो यहाँ पे गाइस, जो मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट चैनल के बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका जो चैनल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगो लगाना चाहते हो, आपको सिंपली इस बटन के थ्री डॉट्स के बटन पर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ से पहले आपको बैक आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल के ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिट चैनल के ऊपर आके आप जो भी फोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों बैनर वगैरह कैसे आपको बनाना है वो मैं आपको अगले वीडियो में। हाँ, गाइस, जो मैं आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के एंड में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी ज्यादा नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक चीज को मिस कर जाते हैं, वो की है YT स्टूडियो ऐप। ठीक है, मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों जो कि यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर लेते हैं, वीडियोज भी बहुत सारे अपलोड करते हैं, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो जो ऐप होता है उसको डाउनलोड नहीं करते, क्योंकि उनके उसको बारे में पता ही नहीं होता है।
अब ये जो ऐप है इसमें होता क्या है, इसमें आपके सब्सक्राइबर्स दिखाते हैं, व्यूज दिखाते हैं, व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं और कौन कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में इस ऐप में आपको बताया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे इस ऐप को अभी डाउनलोड नहीं किया ना तो आप एक यूट्यूबर है तो ज़रूर से डाउनलोड करना, क्योंकि ये जो ऐप है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और भी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और दोस्तों आज के सीन में बस इतना है, मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।